गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज मैं मेरी वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाली है। आज मैं कोई व्लॉग वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आज बताने वाला हूँ कि व्लॉगिंग के ऊपर कुछ टिप्स के बारे में, कुछ बेसिक टिप्स के बारे में आपसे बात करूँगा व्लॉगिंग के ऊपर। तो फिर पहली टिप्स ये है कि जब भी आप कैमरे और फ़ोन से व्लॉगिंग करते हैं, आप कैमरा और फ़ोन उठा के बनाया करो, मतलब कैमरे को थोड़ा ऊपर करके बनाया करो, क्योंकि आपके फेस पर लाइट आए और आपका फेस मतलब आपकी वीडियो की क्लैरिटी है वो अच्छे से हो, इसलिए आप कैमरे फ़ोन को थोड़ा सा अपने फेस से उठा के वीडियो बनाया करो। और दूसरी टिप्स ये है कि हेजिटेशन होना, हेजिटेशन प्रॉब्लम, तो मैक्सिमम ब्लॉगर के सामने ये वाली प्रॉब्लम आती ही आती है। इवन मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं व्लॉग बनाने जाते हो, वहाँ तो लोग होंगे ही होंगे, तो बहुत से लोग हेजिटेशन हो जाते हैं, उनके बीचों बीच बोलना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रॉब्लम होना, डर लगना कि क्या बोलूं इन लोगों के सामने, कैसे बोलूं मैं, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है व्लॉग में। तो ये इस प्रॉब्लम से आपको निपटना होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वीडियो शूट करके आप उसमें वॉइस ओवर कर सकते हो, मतलब कि जैसे कि आपने वीडियो शूट कर ली और आप घर पे आके अपनी आवाज़ डाल लो, वॉइस डाल लो, तो ये बेटर तरीका है। इससे आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी, आप आराम से व्लॉगिंग भी कर सकते हो। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी आप व्लॉग फ़ोन से शूट करते हैं तो आप कैमरे में देखें, स्क्रीन पे ना देखें, तो देखने वाले ऑडियंस को यही लगता है कि वो हमें नहीं देख रहा, हमसे आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहा सही से, उसका ध्यान कहीं और है और हमसे बोल रहा है और उसका ध्यान कहीं और है, तो इसमें ऑडियंस अटेंशन भी इससे ख़राब हो जाती है। तो आप स्क्रीन पे मत देखो, आप कैमरे की तरफ देखो, स्क्रीन पे बिल्कुल मत देखो। तो यही तीसरी टिप्स है, कि छोटी सी टिप्स है ये कि कुछ ब्लॉगर्स जो हैं वो फ़ोन पे देखने लगते हैं, मतलब फ़ोन की स्क्रीन पे देखने लगते हैं, कैमरे में नहीं देखने लगते, तो इसी तरीके से ऑडियंस और उनके बीच आई कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता, इसलिए तो उनकी ऑडियंस जो रिटेंशन होती है, जो ऑडियंस देखने का व्यूअर होता है वो कम हो जाता है, इसी वजह से भी कम हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि हमें नहीं देख रहा, ये कहीं और देख रहा है। तो आप कैमरे की तरफ देखो, आप स्क्रीन की तरफ मत देखो, तो लोगों को लगता है कि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे, आप कहीं और देख रहे हो। चौथी टिप्स ये है कि अपने वीडियो में, व्लॉग वीडियो में अट्रैक्टिव म्यूज़िक डालना, मतलब कि नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक डालना। आप व्लॉगिंग वीडियो में कॉपीराइटेड कोई भी म्यूज़िक ना डालें, नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक डालें जो यूट्यूब की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से भी प्रोवाइड होते हैं, NCS होते हैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक, आप यूट्यूब पर सर्च करना आपको मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्लॉग NCS का भी है यूट्यूब पर चैनल, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो व्लॉगिंग के लिए। बहुत सारे म्यूज़िक आपको, अट्रैक्टिव म्यूज़िक आपको मिल जाएंगे व्लॉगिंग के लिए, तो आप वहाँ से भी म्यूज़िक ले सकते हो, आप पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट कोई क्लेम नहीं आएगा, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी वीडियो पे आप यूज़ कर सकते हो, तो इससे वीडियो अट्रैक्टिव होगी, देखने वाले को भी एकदम अट्रैक्ट करेगी, म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक लगाओ कि देखने वाला भी अट्रैक्ट हो जाए आपकी वीडियो देखकर। और पांचवी टिप्स ये है कि आवाज़, मतलब कि अपनी, जैसे कि आप बोल रहे हो तो ऑडियंस को सही से सुनाई नहीं दे रही, तो मतलब कि आप अगर आवाज़ इम्प्रूव करने के लिए, अपनी साउंड वॉइस इम्प्रूव करने के लिए आप अगर ले सकते हो तो एक माइक ले परचेज़ कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे बोया का माइक है, फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन बोया का माइक, या कोई भी कंपनी का माइक हो आप ले सकते हो, उससे आपकी वॉइस एकदम सही होगी। अगर आप अगर आपको लगता है कि मैं बिना माइक के भी सही बोल सकता हूँ, बिना माइक के भी आपकी आवाज़ तेज है, तो आप बिना माइक के भी आप बोल सकते हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप बिना माइक के बोलो, माइक की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी आवाज़ को तेज करो ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे, एकदम क्लैरिटी हो आपकी आवाज़ में, आप एकदम अच्छे से आपकी वॉइस क्वालिटी हो, आप ऐसे बोलो। अगर आप माइक परचेज़ कर सकते तो ज़रूर करो, अगर नहीं परचेज़ कर सकते तो आप अपनी आवाज़ वॉइस को इम्प्रूव करो ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ अच्छे से पहुँचे, आप लाउडली बोलो। तो ये थी पाँचवीं टिप्स। मैं बढ़ता हूँ अपनी लास्ट टिप्स की ओर, जो है वीडियो एडिटिंग। तो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से एडिट करते हो तो आपको पड़ेगा ओपन शॉट या फिर फिल्मोरा, ये दो बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं लैपटॉप कंप्यूटर एडिट करने के लिए। अगर आप फ़ोन से एडिट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है इनशॉट या काइन मास्टर, ये दो एप्लीकेशन है, ये भी फ़ोन के लिए बहुत बढ़िया है, इसे भी आप डाउनलोड कर लेना,
इससे भी एडिटिंग बहुत बढ़िया होती है। क्योंकि आपको ब्लॉगिंग टिप्स, बेसिक ब्लॉगिंग टिप्स आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप पर सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलता हूँ और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।